हम लोग रेलवे इंजीनियरिंग जो है डिस्कस कर रहे थे, तो रेलवे इंजीनियरिंग में अब हम लोग ब्लास्ट एंड सबग्रेड के बारे में बात करेंगे। तो ब्लास्ट जो है ये ग्रैनुलर मटेरियल्स होता है जो कि यूज किया जाता है पैकिंग विलो एंड अराउंड द स्लीपर्स, स्लीपर्स को पैक करने के लिए, उसके आसपास बिछाने के लिए जो है हम लोग ब्लास्ट का यूज करते हैं। इट इज़ अ लेयर ऑफ ब्रोकन स्टोन, ग्रेवल, सैंड, कंकर्स एक्सेट्रा लेड और पैक्ड अराउंड और बिलो स्लीपर्स, विच इज़ यूज टू ट्रांसमिट द लोड फ्रॉम स्लीपर टू सबग्रेड, है ना। सबग्रेड तक जो है लोड को ट्रांसफर करने के लिए ब्लास्ट का यूज किया जाता है, और स्लीपर से जो लोड आते हैं उसको। डिफरेंट मटेरियल्स कैन बी यूज एज फॉलोज, कई सारे मटेरियल्स जो है यूज किए जाते हैं ब्लास्ट के तौर पे, जिसमें सबसे पहला है ब्रोकन स्टोन, ग्रेवल, सैंड। सैंड जो है जनरली हम लोग कास्ट आयरन स्लीपर में यूज करते हैं। सिंडर और एसिड, सॉफ्ट एग्रीगेट जो कि मोरूम, कंकड़ एंड ब्रिक ब्लास्ट हो गया। तो जो सॉफ्ट एग्रीगेट है वो मेनली यूज करते हैं हम लोग वुडन स्लीपर्स में, और ब्रिक ब्लास्ट जो है ये डी क्लास ब्रिक या झामा जो ईटा होता है, ब्रिक होता है, उसका यूज जो है करते हैं। उसके बाद है सिलेक्टेड अर्थ, कुछ एग्जिस्टिंग कॉम्पैक्टेड अर्थ का भी यूज किया जाता है एज ए हम लोग मटेरियल के तौर पे ब्लास्ट का। फंक्शन ऑफ ब्लास्ट प्रोवाइड करता है इलास्टिसिटी टू ट्रैक, डिस्ट्रीब्यूट लोड फ्रॉम स्लीपर टू सबग्रेड, सबग्रेड से स्लीपर से सबग्रेड में लोड को ट्रांसफर करता है, प्रोवाइड फाउंडेशन टू स्लीपर एंड होल्ड देम, है ना। स्लीपर्स को फाउंडेशन प्रोवाइड करता है और उसको पकड़ कर रखने के लिए जो है यूज किए जाते हैं, आपका मेन फंक्शन होता है आपका ब्लास्ट का। अगला है प्रोवाइड ड्रेनेज, ड्रेनेज प्रोवाइड करने के लिए, प्रोटेक्ट टॉप सरफेस ऑफ फॉर्मेशन, टॉप सरफेस ऑफ फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेटरल स्टेबिलिटी जो होता है ट्रैक का उसे प्रोवाइड करने के लिए, डेप्थ ऑफ ब्लास्ट गिव्स गुड बियरिंग कैपेसिटी, अच्छा बियरिंग कैपेसिटी जो है देता है। एक क्वेश्चन है कि व्हाइल मूविंग द ट्रेन ब्लास्ट इज इन इलास्टो प्लास्टिक स्टेट, किस स्टेट में रहता है, इलास्टो प्लास्टिक स्टेट में रहता है। ब्रोकन स्टोन्स इज द बेस्ट मटेरियल फॉर ब्लास्ट, है ना। ब्लास्ट के लिए जो ब्रोकन स्टोन्स होते हैं वो बेस्ट होते हैं। इग्नियस रॉक्स सच एज ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज एक्सेट्रा आर यूज्ड फॉर ब्रोकन स्टोन, इट इज प्रोवाइडेड इन ऑलमोस्ट एवरी ट्रैक, है ना, लगभग सभी ट्रैक में यूज किए जाते हैं। साइज ऑफ ब्रोकन स्टोन्स वेरीज फ्रॉम 1.9 सेंटीमीटर टू 5.08 सेंटीमीटर। रिवर पेब्स और ग्रेवल्स आर यूज्ड इन जनरल ब्लास्ट, है ना, जनरल ब्लास्ट के तौर पे यूज करते हैं। सिंस दीज आर स्मूथ, ये स्मूथ होते हैं, दे आर नॉट प्रोवाइड प्रॉपर इंटरलॉकिंग, जिसके कारण से ये प्रॉपर इंटरलॉकिंग जो है प्रोवाइड नहीं कर पाता है। सैंड इन सैंड ब्लास्ट प्रोवाइड्स गुड ड्रेनेज एंड देयर इज नो वेजिटेशन, वहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं होता और अच्छा ड्रेनेज जो है प्रोवाइड करता है। ट्रैक मेड ऑफ सैंड ब्लास्ट इज साइलेंट, दैट इज डू नॉट प्रोड्यूस नॉइज, है ना, किसी तरीके का नॉइज प्रोड्यूस नहीं करता है। बट ड्यूरिंग वाइब्रेशंस सैंड इज रिमूव्ड ऑफ, है ना, जब वाइब्रेशन होता है ट्रैक पे ट्रेन चलने के कारण से, तो वहाँ से सैंड जो होता है वो क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। एंड सैंड ऑल्सो ड्रेन ऑफ इन द सिचुएशन ऑफ फ्लड, है ना, फ्लड के कंडीशन में भी जो है क्या होता है कि ड्रेन ऑफ हो जाता है, यानी बह कर कहीं और चला जाता है, जहाँ पे बालू को हम लोग डाले हैं ब्लास्ट के तौर पे वहाँ से ख़त्म हो जाता है। एस ब्लास्ट ऑल्सो ऑफर गुड ड्रेनेज बट इट इज़ वेरी सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, सो इट ब्रेक एवरी इजली वेन ट्रेन रन्स ओवर इट, है ना, ये आसानी से टूट जाता है, इसके कारण से इसको ट्रेन गुजरता है जैसे ही। ऑल्सो इट बिकम्स स्लीपरी ड्यूरिंग रेनी सीजन, रेनी सीजन के दौरान ये स्लीपरी होता जाता है, चिपचिपा हो जाता है, इसलिए इसको अवॉइड करते हैं, इसको यूज नहीं करते हैं। ब्रोकन स्लीप ब्रेक्स कैन ऑल्सो बी यूज एज ब्लास्ट
ब्लास्ट फर्नेस लैग इज द रेसिड्यू लेफ्ट आफ्टर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। मेटल के एक्सट्रैक्शन के बाद जो रेसिड्यू लेफ्ट हो जाते हैं ब्लास्ट फर्नेस लैग, उसका भी वो हमारा होता है, उसका भी कई बार जो हम लोग ब्लास्ट के तौर पे यूज कर लेते हैं। स्पेसिफिकेशन ऑफ ब्लास्ट के बारे में बात किया जाए तो ये जो स्पेसिफिकेशन है वो बेस्ड है फिजिकल प्रॉपर्टीज जो ब्लास्ट का होता है उसके ऊपर। एब्रेशन वैल्यू 30% मैक्सिमम होता है, लोएस्ट एंगल टेस्ट से निकालते हैं। इम्पैक्ट वैल्यू इम्पैक्ट टेस्ट से निकालते हैं, 20% होता है मैक्सिमम। और इलोंगेशन एंड फ्लैकीनेस इंडेक्स मैक्सिमम जो है 50%। स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65 मिनिमम। वाटर एब्जॉर्प्शन 10% मैक्सिमम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लास्ट तो रेजिस्टेंस टू एब्रेशन, रेजिस्टेंस टू क्रशिंग एंड डायनेमिक लोड। इट शुड प्रोवाइड लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटरल स्टेबिलिटी टू ट्रैक। इट शुड प्रोवाइड प्रॉपर ड्रेनेज टू ट्रैक, ट्रैक को प्रॉपर ड्रेनेज प्रोवाइड करता है। फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लीपर्स साइज ऑफ ब्लास्ट यूज्ड आर, है ना, अलग अलग टाइप्स ऑफ स्लीपर के लिए अलग अलग साइज ऑफ ब्लास्ट यूज करते हैं। वुडन स्लीपर के लिए हम लोग जो है 5.1 सेंटीमीटर यूज करते हैं। वही अगर बात किया जाए स्टील स्लीपर के केस में तो ब्लास्ट का साइज जो है 3.8 सेंटीमीटर, इन केस ऑफ क्रॉसिंग 2.64 सेंटीमीटर। फॉर कंक्रीट स्लीपर के लिए 4.5 सेंटीमीटर ब्लास्ट का साइज होता है। स्पेसिफिकेशन ऑफ ब्लास्ट बेस्ड ऑन क्वालिटी, बेस्ड ऑन टॉप विड्थ एंड डेप्थ ऑफ कोहेजन, और बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम लोग जो है स्पेसिफिकेशन कैलकुलेट करते हैं। क्वालिटीज के बेसिस पे शुड बी हार्ड एंड ड्यूरेबल, शुड हैव बियर रेजिस्टेंस एंड फ्री फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर। बेस्ड ऑन टॉप विड्थ एंड डेप्थ ऑफ कोहेजन, डेप्थ ऑफ ब्लास्ट, और बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज इम्पैक्ट टेस्ट, एब्रेशन टेस्ट, वाटर एब्जॉर्प्शन और स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो कि इसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ये आपका है। अब हम लोग बात करते हैं बेस्ड ऑन टॉप विड्थ एंड डेप्थ ऑफ कोहेजन के बेसिस पे। तो टॉप विड्थ एंड डेप्थ ऑफ ब्लास्ट के बारे में, तो इसमें जो है हम लोग सबसे पहले एज्यूम करेंगे कि लोड डिस्पर्सन जो हो रहा है विल एक्ट 45 डिग्री विद वर्टिकल, वर्टिकल से 45 डिग्री बना रहा है। एंड डेप्थ ऑफ ब्लास्ट शुड बी सच दैट डिस्पर्सन लाइन डू नॉट ओवरलैप, है ना, इस तरीके से होना चाहिए ताकि ओवरलैप ना हो। जो डेप्थ है हमारा ब्लास्ट लेयर का अफेक्ट बियरिंग कैपेसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड ऑन सबग्रेड, सबग्रेड पे लोड का डिस्ट्रीब्यूशन और जो बियरिंग कैपेसिटी होता है उसको अफेक्ट करता है डेप्थ ऑफ ब्लास्ट लेयर। ग्रेटर डेप्थ ऑफ ब्लास्ट ग्रेटर विल बी लोड बियरिंग कैपेसिटी, जितना ज़्यादा डेप्थ होगा उतना ही ज़्यादा जो है आपका बियरिंग कैपेसिटी क्या होगा, लोड का इंक्रीज होगा, ग्रेटर होगा। तो डेप्थ ऑफ ब्लास्ट को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एस माइनस डब्ल्यू बाई टू। ये जो एस है ये रेल के सेंटर, एक रेल के सेंटर से दूसरे रेल के सेंटर का डिस्टेंस एस होता है, है ना, ये वर्टिकली जो है 45 डिग्री आपका यहाँ पे होता है। और इसका जो डेप्थ ऑफ ब्लास्ट होता है ये जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेगा ये आपका जो है क्या कहलाएगा, यहाँ से जो स्लीपर का बॉटम होगा वहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा या डेप्थ होगा उसको डेप्थ ऑफ ब्लास्ट कहा जाता है। और यहाँ पे ये जो डिस्टेंस होता है आपका दोगुना होता है डेप्थ ऑफ ब्लास्ट के, और ये W बाई टू और यहाँ पे W बाई टू आपका होता है। यहाँ पे जो dB है वो डेप्थ ऑफ ब्लास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, W जो है विड्थ ऑफ स्लीपर, स्लीपर का कितना विड्थ है, है ना, ये स्लीपर का कितना विड्थ है उसका हाफ और लेकर चलेंगे इधर और हाफ इधर। और एस जो है वो आपका स्लीपर के बीच का स्पेसिंग कह सकते हो, है ना, या दो रेल कह सकते हो या स्लीपर के बीच का जो स्पेसिंग है वो जनरली हम लोग जो है यहाँ पे लेकर चल रहे हैं, है ना, स्लीपर के बीच का
जो स्पेसिंग है सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग वो, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा एस माइनस डब्ल्यू बाई टू। ये मिनिमम डेप्थ इतना हम लोग को रखना पड़ेगा। स्पेसिंग इज इक्वल टू होता है एस इज इक्वल टू टू डी बी प्लस डब्ल्यू, टेन 45 इज इक्वल टू डी बी बाई एक्स, एक्स इज इक्वल टू डी बी हो जाएगा। तो इस तरीके से एस इज इक्वल टू टू डी बी प्लस डब्ल्यू से भी हम लोग स्पेसिंग भी निकाल सकते हैं, या फिर डेप्थ ऑफ ब्लास्ट भी हम लोग इससे निकाल सकते हैं। तो जो डेप्थ होगा ब्लास्ट का फॉर ब्रॉड गेज के लिए वो 20 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर सेटिस्फैक्ट्री होता है, उतना लेकर चलते हैं। साइज ऑफ ब्लास्ट, साइज ऑफ ब्लास्ट इज केप्ट बिटवीन 2 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर फॉर मोर स्टेबिलिटी एंड बेटर इंटरलॉकिंग प्रॉपर्टीज। बेटर इंटरलॉकिंग प्रॉपर्टीज के लिए और मोर स्टेबिलिटी के लिए हम लोग जो है जो ब्लास्ट का जो साइज निर्धारित करते हैं वो 2 से 5 सेंटीमीटर तक लेकर चलते हैं। अलग अलग टाइप्स ऑफ स्लीपर के लिए अलग अलग साइजेस लेकर चलते हैं सेंटीमीटर में। वुडेन और कास्ट आयरन पोर्ट स्लीपर के लिए 5 सेंटीमीटर, CST9 और स्टील थ्रो और स्लीपर के लिए 4 सेंटीमीटर, एंड पॉइंटिंग एंड क्रॉसिंग पे जो ब्लास्ट यूज करेंगे वहाँ पे जो साइज ऑफ ब्लास्ट होगा 2.5 सेंटीमीटर। इफ साइज ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर, अगर 2 सेंटीमीटर से कम है, सॉरी इफ साइज लेस देन 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर से कम है साइज, तो इट विल काउज ड्रेनेज प्रॉब्लम, है ना। ड्रेनेज प्रॉब्लम क्या करेगा, काउज करेगा, ये चीज जो है ध्यान रखना है। और अगर ब्लास्ट का साइज ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर है ना, 5 सेंटीमीटर से ज्यादा है, तो वो पुअर इंटरलॉकिंग प्रॉपर्टीज वहां पे जो है आपका जनरेट होगा। ब्लास्ट टॉप विड्थ जो है ब्रॉड गेज के लिए 3.3 मीटर, इन जनरल 3 टू 3.8 मीटर होता है, और नैरो गेज के केस में 1.8 मीटर होता है। एमएम में बात किया जाए तो ब्रॉड गेज में 3350 mm यानी 3350 mm, और नैरो गेज के लिए 1830 mm। नोट पॉइंट यह है कि इन केस ऑफ सुपर एलिवेशन ऑन कर्व, कर्व पे जब सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करेंगे तो 15 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा विड्थ जो है हम लोग प्रोवाइड करेंगे आउटर साइड में, है ना, आउटर साइड में एक्स्ट्रा विड्थ हम लोग प्रोवाइड करेंगे। कुछ टर्मिनोलॉजी यहाँ पे दिए गए हैं आपका ब्लास्ट से रिलेटेड है। पैकिंग, कॉम्पैक्ट ब्लास्ट लेयर लेड अंडर और बिलो द स्लीपर एज पर ग्रेडेशन, जैसा ग्रेडेशन होगा उसके अनुसार हम लोग जो है क्या करते हैं ब्लास्ट को जो प्रोवाइड करते हैं स्लीपर के अंडर या बिलो तो बिछाते हैं, तो वो जो लेयर होता है कॉम्पैक्ट लेयर ब्लास्ट लेयर का उसको पैकिंग कहते हैं। बॉक्सिंग, ब्लास्ट लेयर प्लेस्ड ऑन साइड स्लीपर टू प्रोवाइड लैटरल स्टेबिलिटी, लैटरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए स्लीपर के साइड में जो ब्लास्ट का लेयर प्लेस करते हैं उसको बॉक्सिंग कहते हैं। स्क्रीनिंग, ये एक प्रोसेस होता है फॉर रिन्यूइंग द ब्लास्ट विच हैव बीन डिग्रेडेबल, जो डिग्रेडेबल हो गया है उसको रिमूव करके नया ब्लास्ट को प्रोवाइड करना वो कहलाता है स्क्रीनिंग। ब्लास्ट क्रीप, दिस ब्लास्ट विच इज लूज ब्लास्ट बिटवीन द टू एडजेसेंट स्लीपर, दो एडजेसेंट स्लीपर के बीच में जो ब्लास्ट लॉस हो जाता है, है ना, तो उस तरीके के ब्लास्ट को ब्लास्ट क्रीप कहा जाता है। बात करें सबग्रेड का तो ये नेचुरल अक्रिंग सॉयल्स होते हैं विच इज प्रिपेयर्ड टू रिसीव ब्लास्ट, है ना, ब्लास्ट को बिछाने के लिए या रिसीव करने के लिए बनाए जाते हैं स्लीपर्स रेल्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक को कंस्ट्रक्ट करने के लिए बनाने के लिए। सबग्रेड मस्ट हैव, सबग्रेड जो है स्टेबिलिटी होना चाहिए, यानी उसके पास स्टेबिलिटी होना चाहिए, गुड ड्रेनेज होना चाहिए सबग्रेड के पास। प्रॉपर्टी टू प्रिवेंट पंचिंग ऑफ ब्लास्ट इनटू इट, है ना, पंचिंग ऑफ ब्लास्ट को प्रिवेंट करने के प्रॉपर्टीज होना चाहिए सबग्रेड में।
इसके अलावा एबिलिटी टू बियर द ट्रांसमिट लोड, लोड को ट्रांसमिट करने की भी कैपेसिटी होना चाहिए। क्वेश्चन है, इफ अ स्पेसिंग ऑफ स्लीपर इज 1.2 मीटर एंड विड्थ ऑफ स्लीपर इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड द मिनिमम डेप्थ ऑफ ब्लास्ट। तो डी मिनिमम हो जाएगा एस माइनस डब्ल्यू बाई टू, यानी 1.2 माइनस 0.3 बाई टू, यानी 0.45 मीटर, यानी डी मिनिमम हो जाएगा 45 सेंटीमीटर। ये मिनिमम डेप्थ आपका जो है हो जाएगा। आई होप कि ये चीज़ें समझ में आए हो। यहाँ तक अगर कोई डाउट्स आता है तो आप हमें ज़रूर बताएं, ताकि आपको और बेटर हेल्प किया जा सके। आप चैट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं अगर कोई डाउट्स आता है तो, ताकि उस पर एक स्पेशल फोल्डर में स्पेशल वीडियोज़ के माध्यम से आपको समझाया जा सके। थैंक यू।